नमस्कार, खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। बात साल 2009 की है। फरवरी का महीना था, ठंड ढलान पर थी, लेकिन काली नगरी भदोही का सियासी पारा उपचुनाव के कारण गर्म था। प्रदेश की सीएम थी मायावती। 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत में आई मायावती हर हाल में इस बार भी बाजी मार लेना चाहती थी। भदोही से उनके उम्मीदवार थे गोरखनाथ पांडे। उधर समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव के जरिए वापसी करने की जुगत में थी। भदोही में बीएसपी के नेता कैंप कर रहे थे। मायावती ने ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा से कहलवाया कि वे उनके प्रत्याशी को समर्थन दे। विजय मिश्रा समाजवादी पार्टी के वही उम्मीदवार थे जो 2007 में बीएसपी की आंधी में भी टिके रहे। मायावती को यह पता था कि भले ही विजय मिश्रा की पकड़ पूरे जिले में है, विजय ने मायावती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। घटना के कुछ दिन बाद समाजवादी पार्टी रक्षक मुलायम सिंह यादव अपने प्रत्याशी छोटे लाल बिंद के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। मंच पर मौजूद विधायक विजय मिश्रा को खबर मिली कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है। विजय मिश्रा स्टेज पर जाते हैं और मुलायम सिंह यादव से कहते हैं, आपको मेरी पत्नी रामलीली के सिंदूर का वास्ता, मुझे बचा लीजिए। नेताजी ने कहा कि जिसकी हिम्मत हो पकड़कर दिखा दे हमें, और फिर वो विजय मिश्रा को लेकर हेलीकॉप्टर में उड़ गए। भदोही के ध्यानपुर में रहने वाले विजय मिश्रा ने 1980 के आसपास एक पेट्रोल पंप शुरू किया। इससे अच्छी कमाई होने लगी तो राजनीति की तरफ रुझान बढ़ाया। इसी दौरान उनका परिचय कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी से हुई। उनके कहने पर ही चुनाव लड़े और पहली बार 1990 में ब्लॉक प्रमुख बने। उनका कांग्रेस से संबंध यहीं तक रहा और वे मुलायम सिंह संपर्क में आए। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ गया और छवि पूर्वांचल के बाहुबली नेता के रूप में बनती गई। जुलाई 2010 में बीएसपी सरकार के मंत्री नंद कुमार नंदी पर प्रयागराज में हुए हमले में विजय मिश्रा का नाम आया। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी और इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर विजय प्रताप सिंह सहित दो लोग मारे गए थे, वे फरार हो गए। 2011 में विजय मिश्रा ने दिल्ली स्थित हौज खास में लंबी दाढ़ी और लंबे बालों में साधु वेश में समर्पण किया। जेल में रहकर 2012 में वह सपा के टिकट पर ज्ञानपुर से विधानसभा चुनाव लड़े। और भदोही के लोग बताते हैं कि विजय मिश्रा भले ही विधायक भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से हैं, लेकिन उनका प्रभाव भदोही में तो है ही, आसपास के जिलों में भी है। जिसे चाहते उसे जितवा देते, इसलिए उन्हें मुलायम सिंह पसंद भी किया करते हैं। एक घटना का जिक्र करते हुए भदोही के लोग बताते हैं कि साल 2000 में शिवकरण यादव काके जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें हराने का जिम्मा मुलायम सिंह ने विजय मिश्रा को दिया। इसके लिए उन्हें विजय मिश्रा को जिला पंचायत के 3 टिकट दिए और तीनों पर उनके उम्मीदवार जीत गए। इसके बाद 2002 में उन्हें विधानसभा का टिकट भी इसी शर्त पर दिया गया कि वे ज्ञानपुर के अलावा हंडिया, भदोही और मिर्जापुर के समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को जिताएंगे। इस चुनाव में ज्ञानपुर से विजय मिश्रा तो जीते ही, हंडिया से सपा के महेश नारायण सिंह और मिर्जापुर से कैलाश चौरसिया ने भी शानदार जीत दर्ज की। भले ही पार्टियां बाहुबलियों को खुले तौर पर समर्थन ना दे रही हों, पर अंदर ही अंदर हर पार्टी की जरूरत होते हैं बाहुबली। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल किस्से में बाहुबलियों का जिक्र आ जाता है। खबर स्टेशन के लिए रोशनी की रिपोर्ट।